एसएन गोयनका जी कहते हैं कि विपासना कोई मेडिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करने में किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा चेंज होती रहती है। माइंड और मैटर हमेशा बदलता रहता है, पदार्थ हमेशा बदलता रहता है। हम देख रहे हैं हमारे शरीर में भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। और जहां बात करें हम माइंड की, तो माइंड मतलब थॉट्स, और थॉट्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर मेडिटेशन में हम कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। ये मैं बिल्कुल वर्ड्स बता रहा हूं आपको एस एन गोयनका जी के। मेडिटेशन नहीं है विपासना, विपासना एक ऐसी चीज है बिल्कुल ही डिफरेंट, जिसमें हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें प्योर ऑब्जर्वेशन है, जिसमें कोई ऑब्जर्वर भी नहीं है। क्योंकि ऑब्जर्वर का मतलब होता है यहां पर माइंड, ऑब्जर्वर का मतलब है एक मेमोरी, ऑब्जर्वर का मतलब है एक थॉट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके साथ हम फ्लो कर रहे हैं, उसके साथ हम जा रहे हैं, जहां पर भी ऑब्जर्वेशन जा रही है। हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस हम साथ दे रहे हैं, हम बस फ्लो हो रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सांसों पर ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए कहा जाता है, स्टार्टिंग में ये चीजें जरूरी हैं ताकि आप आपकी थोड़ी सी विल बढ़ सके, लेकिन एट लास्ट लास्ट में आपको कंप्लीट तरीके से देखना है। और कंप्लीट तरीके से देखने के लिए कोई पार्ट या कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए जो कि ऑब्जर्वर का हिस्सा है। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करें बिना ऑब्जर्वर के, बिना ऑफिशियली ऑब्जर्वर अपने अंदर लाए। क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में पार्ट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं? अब यहां पर मैं आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल कोर्स जो है उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जरूर ये कोर्स लेना चाहिए। मैंने एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, वो भी मैं ये स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।